वो यार मेरे प्यारे भाई पोगम जिर्दो जी, मार्केट सेक्रेटरी, मार्केट वेलफेयर सेक्रेटरी दोमर राम जी, एजीएस यमते लोलेन जी, सेक्रेटरी फिनेंस तोपिन जिन्नी जी, यूथ सेक्रेटरी मान्या बागरा जी, यूथ प्रेसिडेंट श्रीमती आनी तोसेन, हम प्यार से आनी को यासेन पोतम से जानते हैं, बहुत पहले से बचपन से आनी यासेन जी, ऑल मार्केट ओमेन प्रेसिडेंट मेरे बहन किंग अंबी अर्थ जिर्दो जी, ऑल मार्केट ओमेन सेक्रेटरी बड़े भैया कार्यम लोलेन जी, कार्यम अर्थ जी जुमी सी सी, ऑल मार्केट जोनल सेक्रेटरीज युग पोनु पार्टी गति यूथ श्याम सुंदर दास जी, मंगल सिंह जी, और आज बहुत सुंदर भाषण देके हाल ही में निकल गया मेरे दोस्त रोशन खान जी, बड़े भैया सिंह जी, और तमाम हमारा ऑल मार्केट हो, नया न्यू मार्केट हो, सबसे शॉपकीपर्स आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, और हमारे साथ मंडल प्रेसिडेंट लीगल ओलंपिक जी भी मंच पर विराजमान है, हमारे बड़े भैया धोली लोलिन जी, दोस्त रेमी लोलिन जी, और मेरा कोऑपरेटिव डॉक्टर इजुम आदो जी, साइल स्पेशलिस्ट है वो भी, और हम के सबसे सहित पॉपुलर आबो ताको कोच जी, और बड़े भैया हमारा बहुत पुराना भाजपा का कार्यकर्ता है आशी योरजुम रिडम जी, आशी दोले कामे भी आए हुए हैं, आशी ये के दियो, और हमारे साथ विराजमान है जुमजा गोंदर जी, आप पर मार्केट वेलफेयर सेक्रेटरी का सेक्रेटरी भी शायद अभी निकल गए, और डायस में बैठे हुए सब मेरे फ्रेंड्स, आज मैं रियली बहुत खुश हूं कि बहुत दिन के बाद ऑल मार्केट का सब दुकानदार यानी कि शॉपकीपर्स और फैब्रिक हमको रात्रि भोजन में आमंत्रित किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। साथ में बहुत पॉइंट्स के मेमोरेंडम के रूप्स में भी तमा दिया है, उसको भी मैं देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। ये मेमोरेंडम में आने से पहले मैं कुछ सब आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आपको पता है आलो 3-4 साल पहले क्या हाल में था, आज किस दिशा में जा रहे हैं। यहां सबको शायद पता नहीं मैं पहले क्या था और आज क्या है। मेरे पेशे वकील है, मैं वकालत हाईकोर्ट में करके रह रहा था, पब्लिक ने हमको बुलावा आया है, आप विधायक यानी कि 2019 में एमएलए कॉन्टेस्ट करने का न्योता दिया, हालत बिगड़ते जा रहा है, आलो का कोई नामो निशान नहीं है, पहले आलो क्या था सब लॉस्ट ग्लोरी को आप हमारा वापस ला दीजिए बोल के हमको आयो निमंत्रित किया, तो मैं कॉन्टेस्ट किया 2019 में, आप लोगों का प्यार से मैंने हमको निर्विरोध घोषित किया,
तब से मैं दिन रात एक करके काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां आके भी भाषण दिया था, आलोका सेक्टर रोड, टाउन रोड हालत खराब है, सब जगह टूटा फूटा, आपको याद होंगे, स्पेशली यहाँ हाईवेज में जो अभी जो हाईवे बनाया उस लाइन को आप याद कीजिए, उस दिन को, वो दिन दूर नहीं है। जब धूप होता तो आपको धूल से धूल का खाके आपको बैठना पड़ता था, बारिश होता है तो आपको पूरा पानी हुआ तालाब जैसे हालत था। आज वो दिन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपको आज हमारा अरुणाचल, आपको मेरा दोस्त रेमी लोलेन अभी जो कह के गया है, हमारा अभी सिपू ब्रिज टू हिसाम ब्रिज फोर लेन ट्रांस हाईवे रोड है। आपको शायद जान के खुश होंगे कि हमारा आलो ऐसा शहर है, अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिसमें फोर लेन है। कोई डिस्ट्रिक्ट में फोर लेन नहीं है, आपको पता होगा, होंगे तो भी यिंकियोंग में थोड़ा है, उसमें भी वो 10-15 मीटर सिर्फ है, वो उसको तो हम फोर लेन नहीं बोल सकते। कोई कोई आप सिर्फ ईटानगर में हमारा फोर लेन, कैसे फोर लेन आपको देखिए, ये जो है ट्रांस हाईवे रोड पोटिन टू पांगिन होके आपकी रोड तक कंप्लीट हो जाएगा बिफोर इलेक्शन। और हमारा रोड कम्युनिकेशन बहुत बदतर हालत में था, और सिर्फ नहीं, हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल के नाम में कुछ भी नहीं था, सिंपली एक बड़ा पीएचसी हॉस्पिटल जैसे ही था। आप याद कीजिए उस दिन को, जब हॉस्पिटल में आप घुसते ही क्या बदबू देता था, और हॉस्पिटल के नाम में सिर्फ एक दो सीनियर स्पेशलिस्ट यानी कि स्पेशलिस्ट हुआ करता था। आज देखिए सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात है हमारे जनरल हॉस्पिटल में। वो सिर्फ नहीं है, हमारा हॉस्पिटल आलो जनरल हॉस्पिटल अभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे हो गया, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे लग रहा है, जिसमें सीटी स्कैन लगवाया गया है, अल्ट्रासाउंड लगवाया गया है। हम सपना में भी नहीं सोचा था कि एक दिन आलो में आईसीयू होंगे, वेंटिलेटर होंगे। अभी 3 यूनिट्स आईसीयू है, वेंटिलेटर्स है। आपको शायद पता नहीं है, हमारा हार्ट अटैक होने का वजह से, स्ट्रोक होने का वजह से बहुत आदमी दम लेता था, मर जाता था, कारण इसमें वेंटिलेटर का फैसिलिटीज नहीं था। हालत रोड का हालत ऐसा बदतर था, ऐसा टेरेबल कंडीशन था कि आप यहां से पांगिन पहुंचने के लिए 2 घंटा लगता था, अभी उसको आधा घंटा भी नहीं लगता है, 20 मिनट में पहुंच जाता है। देखिए इसका चेंजेस को देखिए आप। तो इसके लिए अभी वेंटिलेटर लगने का वजह से, आईसीयू लगने का वजह से बहुत आदमी का लाइफ को सेव हो रहा है। बहुत माने शायद आज तक दो साल का अंदर में 100 आदमी को सेव किया होगा, मेरा एनालिसिस ये बता रहा है। सिर्फ ये डायलिसिस यूनिट नहीं है, जिसमें हम योलो एटीएम भी लगाया गया है कि एक 10-15 मिनट का अंदर में 42 इन्वेस्टिगेशन होने वाला, पहली बार हमारा अरुणाचल में लगवाया है। सीएम भी आके इनोग्रेशन किया था, सीएम भी बोला था, हमको क्वेश्चन किया था कि चिनी साहब अरे इतना आप तो हाईली मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स आप कहाँ से लाए, वो 10 लाख का मेरे अपना पॉकेट से हम लेके उसको लाए। और टाउन रोड सेक्टर रोड्स हॉस्पिटल्स के बाद हमारे आलो में पीने का पानी का बहुत कमियां है, हर सेक्टर्स में, हर करोड़ में। तो मैं आते ही 43 करोड़ सेंक्शन करवाया,
और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम 20 किलोमीटर दूर से बहे और मंदिर से पानी ला रहे हैं। हमें WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगवाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि वो भी एक साल का अंदर ही कमीशन हो जाएंगे और पानी का पीने का प्रॉब्लम भी हल जल्दी ही होने वाला है। मैं एक चीज जहां मेमोरेंडम बाद में आऊंगा, एक चीज जो है हमारा यहाँ ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है हमारा आलो एंटर आलो सिस्टम टाउन में। मैं उस दिन भी लास्ट पिछले साल मैं यहाँ आया था हमारा आतो केम्बम जी का घर में, देखा गया कि यहां से ड्रेन पहले जमाने में शायद वहां से रैंडम में यूज लुक दो पॉइंट्स दिया और एज ए मार्केट वेलफेयर सोसाइटी 5 मेमोरेंडम दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि एक से एक एक करके इसको निपटाए, आपको एड्रेस करें। हमारा विधायक बनने के बाद मैं हमेशा ये कोशिश रहा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अच्छा से बना रहे हमारा आलो में, स्पेशली मार्केट एरिया में। आप याद कीजिए पहले जमाने में मार्केट में क्या क्या होता था। बस्ती बस्ती से आके लड़का कोई बदमाश वाला या का कहीं से आके मार्केटियर्स को बहुत तंग करता था, कोई सामान लेके जाता था, जबरदस्ती बार्गेन करके लो रेट में पैसा सामान लेके जाता था। मैं आशा करता हूं कि आज वो हालत नहीं है, उसमें भी सुधार आया है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि आपका ये जो मेमोरेंडम नंबर 1 रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड नॉन फंक्शनल स्ट्रीट्स पोल्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट्स इन एंड अराउंड ऑल मार्केट एरियाज, तो ये इसमें मेमोरेंडम में ये बोला गया है कि स्ट्रीट लाइट लगवाया जाए। मैं इसको बहुत जीरिन मानता हूं क्योंकि रात में हमारा यहाँ आजकल लड़का यहाँ कमिंग जनरेशन यूथ लुक बिगड़ गया है। कोई कोई ड्रग के चलते आप देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आलो नया दिशा में जाए, बहुत सुंदर रहे, जो भी अच्छा एम्यूजमेंट पार्क हो, जहां जहां टहलने के लिए जहां पार्किंग फैसिलिटीज पार्क हो। हाल ही में मैंने यहाँ 4 किलो में आई लव आलो भी बनाया था, बहुत सुंदर शाम को लाइट, उसको भी तोड़ दिया गया है, बहुत दुख का बात है। मैं इसीलिए FIR भी लॉन्च करवाया लेकिन उसको तोड़ने वाला को आज तक नहीं मिला है। कोई भी जाने हमको बताए उसको हम गुप्त रखेंगे। कोई भी तोड़ा भैया भाई लोगों को भी बोलता हूं, अरे हम मिलके आलो को सुंदर बनाना चाहिए। हम MLA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ करने से नहीं होगा, हम सब मिलके आलो को नया दिशा में सुंदरता की ओर ले जाना चाहिए। हाइजीन और या क्लीननेस ड्राइव हम भी करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा और मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को मैं आज बताऊं कि अबे आलो हिसाम टू सिपो ब्रिज 4 लेन लग पाया गया है, जिसमें बीच में हमारा दीवाईदार भी है। मैं इसमें भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम दिल्ली मुंबई या बेंगलोर स्टाइल में लगवाने के लिए मैं प्लान कर रहा हूं। आप लोग सब लगा के रखा है लेकिन मैं माफी चाहूंगा, ये सब को मैं उकार रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं। अभी कुछ ही दिन में मैं उकार के नया इंस्टॉलेशन नया प्लांटेशन सुंदर वाला लगा रहा हूं, जो लगाने वाला को भी मैं माफ मांग रहा हूं कि आप लोग खराब मत पाइए। मैं उस दिन भी एक वीडियो क्लिपिंग जारी किया था कि आप लोग जाता लगाने से भी
आप दिल से लगाइए बाद में, लेकिन मैं उसको नया प्लांटेशन कर रहा हूं बोल के अपील किया था, उससे आपको पता चलता है कि हमारा आलो का जब डेनिजन द पीपल ऑफ आलो वांट्स टू सी ए न्यू आलो, सुंदरता चाहिए, आलो को सुंदर देखने दिल है, कारण आपको भी देखिए हम एज ए कॉमन पर्सन हम आपको सच दर्ज के निकालने से भी अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार हम आलो को भी सच दर्ज के हम उसको संवारने से हम लोग भी यहां रहने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सोचता हूं कि मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि हिसाम ब्रिज टू सिपू ब्रिज में भी मैं स्ट्रीट लाइट लगवा रहा हूं, जल्द ही मैं लगवाऊंगा। तो स्ट्रीट लाइट लगते ही मैं प्लांटेशन को भी करूंगा, तो आलो का जो पहचान हमारा अरुणाचल का नंबर वन टाउन होने बनाने के लिए मैं आमादा हूं। तो इसीलिए मैं मेमोरेंडम वन को मैं सहमत करता हूं कि मैं जल्द ही इसको स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे आलो टाउन का और नॉट एंटायर आलो टाउन, ये ओल्ड मार्केट एरिया को, और सीसीटीवी कैमराज भी बहुत जरूरी है। ये सीसीटीवी कैमरा बहुत सर्वेलेंस का काम करता है, हम हमेशा पुलिस फोर्स नहीं लगाने से भी ये पुलिस फोर्स का ही काम करता है, 24x7 काम करने वाला ये मशीन है, जिसको आलो इसमें अभी उस दिन भी मैं मार्केट आके न्यू मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को ऑफिस आके गया था, यहाँ सीसीटीवी लगवाया गया है, तो मैं इसको रेस्टोरेशन वर्क में मैं भी सहयोग करूंगा, और जितना रेस्टोरेशन वर्क में लागत आता है मैं उसको भी दूंगा। सबसे पहले ये आपको मैं बताऊं, मैं तो ये आप लिखा है 3 पॉइंट में पार्किंग पार्किंग लाइन मार्किंग इन आरसीसी रोड पीडब्ल्यू गैरेज एरिया पार्किंग स्पेस लॉट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ आलो टाउन। मैं आपको बताऊं कि मैं पहले से स्कीम बना के रखा है कि आलोक ये न्यू हमारा पावर ओल्ड पावर हाउस एंड पीडब्ल्यूडी गैरेज को तोड़ के सुंदर सुंदर वाला एक गैरेज बनाऊं। तो मैं इसको इस बार 2024 इलेक्शन आने से पहले कोशिश करूंगा ये बन के तैयार हो जाए। और ये तो अभी जो थर्मोप्लास्ट जैसे कोटिंग का जो बात किया है, तो ये तो मैं इसको भी जैसे पार्किंग आप लोग जैसे सोचता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में जैसे बनाना है, पार्किंग को भी मैं सोचता हूँ कि हम ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो करें तो पार्किंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तो देख रहा है यहाँ में 4 लेन ये भी होगा क्या 4 लेन, ठीक है 4 लेन, 4 लेन में भी ये जो ट्रांस हाईवे जहां बना रहा है 4 लेन में भी एक साइड को तो हम लोग पार्किंग प्लेस के रूप में यूज कर सकता है, उसको यूज करने से भी इतना प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलने वाला हूं उसको थोड़ा स्लाइंटिंग में थोड़ा टेढ़ा करके रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सीधा नहीं रखे स्लाइंटिंग में, तो उसको भी हम लोग के मार्किंग लाइन करवा दूंगा, और ये जो ओल्ड मार्केट एरिया न्यू मार्केट एरिया को भी कैसे लाइन करना है उसको मैं ट्रैफिक एसपी को बोल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के मैं उसको भी हल कर दूंगा। डिसमेंटल ऑफ ओल्ड मार्केट यूज पे अर्बन टॉयलेट, मैं तो इसको ठीक से देखा नहीं, लेकिन इसको जल्दी मैं बताऊं कि ये तो टूटना ही है, क्योंकि मैं यहाँ जब मार्केट गैरेज पार्किंग स्टोरेज पार्किंग लॉट बनाएगा तब मैं यहाँ पे टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट साथ में बना रहा हूं, तो ये रहो या ना रहो इतना मायने नहीं रखता है, मैं उसको आपको मैं बताता हूं।
इसीलिए ये भी हल हो जाएंगे, आप उसके लिए चिंता न करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, ये जो इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम को तुमने बना के रखा है, लेकिन हमारा कोरोना के चलते हमारा गवर्नमेंट में फंडिंग प्रॉब्लम है, इसका खातिर शायद इसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी जल्दी ही हल हो जाए। इस बार हल नहीं हुआ तो भी अगले बार 2024 का बाद में आते ही मैं इसको हल कर दूंगा। ये 5 पॉइंट्स आप ये लोग का मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का, और ये भाई लोगों का 2 पॉइंट्स है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज स्टेज एट ओल्ड स्टेज एट ओल्ड बाजार दे रहे, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स प्रेयर्स पेबल्स ब्लॉक कार्पेटिंग एट ओल्ड बाजार दे रहे, ये 2 पॉइंट्स है। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट्स हमको लगता है, लेकिन मैं आज इसको आश्वासन नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कैसे करना है, और ये तो इतना बड़ा दिमाग तो नहीं लगता है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन ये मत बोलना कि आप कोशिश करेगा बोल के नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश, सब कुछ कोशिश में ही होता है, मैं इसको जरूर कोशिश करूंगा कि कुछ दिन में या मंथ्स में ये भी बन के तैयार हो जाए। शायद मैं सब दिमाग को ये मेमोरेंडम को एड्रेस कर दिया, तो मैं आप सबको, सिंस आप सब यहाँ मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का सब मेंब्रान है, मेंबर है, और आलोक को सुंदरता रखने के लिए आप सबका हम योगदान चाहिए। मैं आपको बताऊ कि मैं एक ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रीट लाइट लगते हुए प्लांटेशन करने का बाद मैं सोचता हूँ कि उस दिन भी डिप्टी कमिश्नर आलो से भी डिस्कस किया है कि हमारा आलो को सुंदरता रखने के लिए सबका योगदान चाहिए, मैं अभी बोला है। इसीलिए मैं सब मार्केटियर्स लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दरख्वास्त करता हूँ कि हम आलो को एक कॉमन एक कलर सुंदर वाला कलर चूज करके एक कलर पेंट करने से अच्छा है सोच के मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं? वो सहमत है सर? एक कलर दुकान सबको एक कलर पेंट करने के, आप सब सहमत है? ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा कि ये स्ट्रीट लाइट लगने का बाद सीएम मार्केट से लेके सिपू मार्केट एंड गोमिन नगर मार्केट तक एक ही कलर पेंट करने का मैं जिस डिप्टी कमिश्नर आलो से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मार्केट वेलफेयर सोसाइटी को सबको भी मैं बोलूंगा कि आप इसी का जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर निकलता है तो आप सब अमल करने का कोशिश करें। और इसका मौका का पैदा उठाते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लास्ट टाइम भी देखा है आलो में हमारा जब बारिश हुआ था उस दिन बहुत तेज से बारिश हुआ था, तब प्लास्टिक ड्रेन से निकल के बाहर आ गया था सड़क में, उसको टीटीसी वाले ने ड्रेन को चेक किया तो देखा गया है कि प्लास्टिक बॉटल्स प्लास्टिक बैग्स सब गार्बेज उसमें फेंक के रखा हुआ है। तो मैं सब आप सब से यही गुजारिश करता हूं कि हम सब साफ सफाई रखने में सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें और ऐसा हालत फिर से आलो में ना हो। और इसको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, हम सब मिलके कचरे का डिब्बा में फेंके ना नाला में, क्योंकि नाला में फेंकने से खुद अपने आप को तकलीफ होगा। उस दिन तो आप देखे होंगे जब चेक किया है, मैंने टीटीसी वालों को फोन किया, अरे आप लोग क्या ड्रेन बनाया है, पानी
पूरा बह के रोड में आ गया, सड़क पे आ गया, तो उन लोग पूरा ड्रेन जहां जहां से किया है तो पूरा उसमें कसरत फेंक के रखा हुआ था। जब साफ उसको साफ किया है तो अच्छा से बह गया, अच्छा से निकल गया। तो इसीलिए आप सबको मैं गुजारिश करता हूं कि अपने ही शहर है, हम सब मिलके उसको सुंदरता में रखने का कोशिश करते हैं, जहां तहां ना फेंके। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि प्लास्टिक बैग्स यूज ना करें, बॉटल्स प्लास्टिक बॉटल्स यूज ना करें। हमारा यहाँ गार्बेज डंप एरिया का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये सिर्फ आज नहीं है, ये 40 साल से हम जूझ रहे हैं। मैंने छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो कैमोफ्लेज करने का, लेकिन उसको भी गार्बेज एरिया में नहीं फेंक के बाहर फेंक रहा है अभी। तो इसीलिए मैं इसके लिए भी बहुत चिंतित हूं, सब आलो वाला हम थोड़ा उभर के आना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि आलो अभी आलो पहले आलो नहीं रहा, अभी हमारा आलो सुधरने वाला आलो हो गया है, नया लुक्स है, नया गेटअप है। तो हम सब मिलके उसको सुंदरता बनाने में योगदान देना पड़ेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं आप लोगों, विधायक साहब इसको ऊपर क्यों बार बार बोल रहा है, सोच रहा होगा, क्योंकि ये आप लोगों को यही रहना है। तो हमें खुद गंदगी फैलाएंगे तो खुद को तकलीफें होंगे, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सब इसमें योगदान दें। और आपको सब पता होगा कि कब्रिस्तान पहले बहुत आप जहां मुसलमान लोग जहां दफनाते हैं वो भी बहुत बुरी हालत में था, उसको भी मैं बहुत अच्छे से बना दिया, और एज ए जनरल दिखाने देने के लिए भी वॉल बनाया है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आलो को सुधारने में लगा हुआ हूं, आप सब समझना चाहिए आलो को कौन सुधर रहा है, कौन बिगड़ता है, सुधरने वालों को आप और लाना चाहिए कि नहीं, उसको सोचिए। मैं सोचता हूं कि और हमको आने वाला विधानसभा इलेक्शन में और एक बार मौका दे, आलो को सुधरने का काम करे। और मेरा काम करने का बहुत पाइपलाइन है, बहुत मैं सोच के रखा हूं आलो को। मैं 31 आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि आलो हेडक्वार्टर सब वेस्ट सियांग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसको मैं सबसे डिस्ट्रिक्ट हेड अरुणाचल से सबसे सुंदर वाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने का मैं आमादा हूं और मैं बना के रखूंगा। इसीलिए इलेक्शन तो ऑलमोस्ट 8 महीना 9 महीना है, फिर भी आप सबसे मैं एक गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि चलो हम सब मिलके आलो को बनाते हैं और सुंदरता बनाएंगे और नया डेवलप टाउन बनाते हैं। उसके साथ शायद मैं बहुत ज्यादा ही बोल लिया, मैं अंत में ऑल मार्केट वेपर एसोसिएशन को शुक्रगुजार हूं, हमको आप सब याद किया, और स्पेशली पोनू अन्यामे पोनू पार्टी टीम 1 और 2 को हमको बहुत गर्म जोशी से स्वागत किया आप लोगों का पोनू से। तो एज ए टोकन ऑफ लव मैं पोनू पार्टी 1 और 2 को 10,000 जस्ट एज ए टोकन ऑफ लव। और जाते जाते मेरे दोस्त सब जहाँ हम दायर शेयर किया है वो सबको भी थैंक यू, आप सब यहाँ आके हौसला अफजाई किया है, और सब मार्केटियर्स को भी मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको